अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी S8 की असल तस्वीरों के बारे में, जो कि शो कर दी गई हैं इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर। इन तस्वीरों ने एक हंगामा बर्पा कर दिया है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी माहिरीन सैमसंग के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी S8 का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि 29 मार्च को मुतारफ करवाया जाएगा। लेकिन इससे कबल ही इसकी चंद तस्वीर मंजरे आम पर आ गई हैं, जिसमें से उसे इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। और इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा कर रख दी है। और व्यूवर्स, आपको बताते चलें कि ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं। मैक्सिको के एक सार्फ ने गैलेक्सी S8 प्लस की तस्वीर अपलोड की है, जिसमें वो अपनी कार में बैठा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीर बिल्कुल असली हैं और इसके दिलकश डिज़ाइन और शानदार स्क्रीन ने सब पर सैर सतारी कर दिया। और इन तस्वीर के ज़रिए गैलेक्सी S8 की भरपूर झलक दुनिया को देखने को मिल रही है। और ये भी पता चल गया है कि 6.2 इंच की स्क्रीन से मज़ीद इस फ़ोन का डिज़ाइन इसके अंदर बेहतरीन है, कि ये आराम से हाथ में पूरा आ सकता है। और इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपको आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये समझ आ रही होगी कि सार्फ ने इन तस्वीर के साथ LG के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन V20 की तस्वीर भी शेयर की हैं, जिसकी स्क्रीन का साइज 5.7 इंच है। लेकिन हैरान कन पर देखने में दोनों एक ही साइज़ के नज़र आते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि सैमसंग का गैलेक्सी S8 अब तक का बेहतरीन स्मार्टफोन है। और इसके साथ व्यूअर्स, ये जिस शख्स ने ये तस्वीर अपलोड की हैं, वो कार में बैठा हुआ है और इसके साथ वो अपने एक गैलेक्सी S8 का जो है वो रिव्यू पेश करने की कोशिश कर रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह का है गैलेक्सी S8। और सोचने की बात ये है कि अगर गैलेक्सी S8 29 मार्च को आने वाला है मार्केट में, तो इस शख्स के पास ये स्मार्टफोन पहले से कैसे आ गया। अब हो सकता है कि मुमकिन तौर पर ये शख्स जो है वो सैमसंग कंपनी के उन ऑफिशियल्स में से एक हो, जो कि इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं, और उसके पास मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के साथ उसका रबता हो और सैमसंग से उसने ये स्मार्टफोन पहले ही हासिल कर लिया हो। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सैमसंग ने चेकिंग के लिए, या इस आपका कह सकते हैं कि आवाम का रिव्यू चेक, आवाम का दिलचस्पी देखने के लिए ये स्मार्टफोन कुछ तकसीम कर दे मुख्तलिफ मुल्कों में, और वो रिव्यू चेक करना चाहते हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। व्यूअर्स, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।